ध्यान से कांच ना चुप जाए कहीं। नहीं चुपेगी। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अब सो जाओ। दीदी आप इतनी रात को यहाँ? चलो चलो मेरे साथ। यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हाल बना रखा है अपना? दिमाग तो ठीक है ना आपका? सब ठीक है और सब ठीक ही रहेगा। यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें याद है तुम्हारे अंकल ललित गुजराल को जब मैंने हायर किया था, वो भी देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए, तो उन्हें भी नहीं पता था कि मैंने उन्हें क्यों हायर किया। क्योंकि मैं अपने पत्ते एक साथ नहीं खोलता। बहुत राज छिपे इस दिल में। बॉस, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज लग रहे हो। जहां पहुंचना था वहां जिंदगी ने पहुंचा दिया, लेकिन कुछ हादसे ऐसे हो गए हैं जिनकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन बॉस, आप मेरी उस भाभी को नहीं जानते, वो भी बहुत पहुंची हुई चीज लगती है। उसके खिलाफ एक शब्द नहीं, लेकिन जितना बोला है ना उतना कर। पापा, पापा आप कहाँ थे? क्या हो गया था? बेटा उस दिन जो हादसा हुआ था ना, मैं कैसे बच गया मुझे पता नहीं, जिंदा लाश बन के रह गया। जिंदगी में आने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन जब मैं ठीक हुआ ना बेटा, तो सबसे पहले वो दोनों लड़कों का पता लगाने की कोशिश की। मुझे पता चला कि उसमें से एक तो उसी वक्त जलकर मर गया था और एक जलकर अधमरा बच गया। मैंने फिर से पता लगाने की कोशिश की कि किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है कि नहीं। उनके माँ बाप को सब कुछ पता था, इस कांड के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बेटा मैं एक नाकाम पिता हूं, तुम दोनों को इंसाफ नहीं दिला पाया। बाबा अब बैठिए, जो हो गया सो हो गया, उस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। खुशी की बात तो ये है कि आप हमारे सामने हैं। और बाबा आज आप इतने शुभ दिन पे आए हो। शुभ दिन कैसे दीदी? आज 12 बजे से रामनवमी शुरू हो जाएगी और हमारी प्यारी प्रता का जन्मदिन। मैं तो भूल ही गई थी। बेटा आज 12 बजे के बाद तुम्हारा जन्मदिन है, जब चार सितारे एक साथ मिलते हैं। नवरात्र खत्म होते ही रामनवमी के दिन तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है। याद है तुम्हें कितने सवाल पूछा करती थी तुम? बेटा आज रामनवमी है, आज के दिन राम जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने रावण को जलाया था, रावण को मारा था। बाबा रावण कहाँ है? बेटा रावण हमारे अंदर है जैसे राम जी है, और जिस दिन वक्त आएगा ना, उस दिन रावण को, तुम्हारे अंदर के रावण को तुम्हें खुद मारना होगा। और तुम्हें याद है तुम्हें दीर्घायुष पूजा भी करनी है, तुम्हारे और तुम्हारी नागमणि के लिए। आप आराम कर लो, मैं पूजा करके आती हूँ। प्रथा
पूजा में मैं भी चलूंगा बेटा। नहीं पापा, आप आराम कर लीजिए, मुझे आना है। ठीक है, चलिए। जब मैं बड़ी होंगी, एक दिन शेषनाग मुझे वरदान देंगे और नागलोक के नागिन शेष नागिन बनाएंगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतने सालों बाद अपने इस महल में अपने बाबा के साथ वापस आई हूँ। प्रथा, हमारा यहाँ आना लिखा था, अब तुम ही सोचो, राम नवमी के दिन पे और तुम्हारे जन्मदिन के दिन पे हम यहाँ इस जगह पे बाबा के साथ। प्रथा, ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने से पहले हमें पूजा कर लेनी चाहिए। हाँ, 3:30 से 4:30 के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त है, चांद की शक्ति पूरे उफान पे होती है, तुम्हें इसी 1 घंटे में पूजा पूरी करनी होगी। तुम्हें याद है, ये वही रात है जिस दिन तुम्हें अपनी नागमणि बाहर निकालकर शिव जी के सामने रखनी होगी। ये गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल है, साक्षात वो जल जो शिव जी की जटाओं से निकलता है। तुम्हें अपनी मणि निकालकर इसी गंगा जल में रखनी है और मणि का रुद्रा अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
समायरा, तुम्हें सब कब से ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ? चलो आओ बेटा, नाश्ता करो। आइए भाई साहब, आइए ना, आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। आज रामनवमी है, राम जी का जन्मदिन। सीमा जी, आज के शुभ दिन पर आपकी बड़ी बहू प्रथा का भी जन्मदिन है। अब आप सबको लग रहा होगा कि मुझे ये बात कैसे पता। जैसे प्रथा ने बताया कि मैं इसका गुरुजी हूं, तो गुरु को शिष्य की हर बात पता होती है। और मेरी शिष्य भी कैसी है, इतनी होनहार, वफादार। अब सबके लिए इसके दिल में कितना प्यार है। प्रथा, तुमने हमें बताया नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम दोनों आओ मेरे साथ, तुम लोग भी आ जाओ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज रामनवमी है और आज तुम्हारा जन्मदिन भी। मैं भगवान राम जी से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी की तरह बने। और प्रथा बेटा, कल दशमी है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों राम जी के मंदिर जाए और जोड़े से राम जी की पूजा करें। सुना, आज तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हैप्पी बर्थडे प्रथा। थैंक यू। ग्रेट आइडिया बड़ी मॉम, अब हम सब लोग पार्टी एंजॉय करेंगे। आप आएंगे ना, मेरा जन्मदिन है। आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा। भाभी, देखना हम आपके बर्थडे पे क्या धूम मचाते हैं। बॉलरूम पार्टी, सबकी एंट्री मास्क में होगी। इस घर में ही आपका फर्स्ट बर्थडे है। चलो राधा, पार्टी की तैयारियां शुरू करते हैं। जी परचेश्वरी, आइए। प्रथा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। रियान, ये जो मैंने देखा, ये प्रथा यश के सामने कुछ ज्यादा ही नाटक करती है। भाई के सामने की असलियत दिखाएंगे। जब भी अपनी फियांसे का कहीं जाता हूँ, मेरी गाड़ी में आके बैठ जाती है। और भाई का चेहरा देखा था जब इसने बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पहले कुछ गड़बड़ लग रही थी, मुझे पहले कोई डाउट था। और भाई ने कुछ बोला भी नहीं जब बर्थडे सेलिब्रेशन की बात हुई। तो मैं इसका बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। हेलो रीम, आज घर आ जा, प्रथा भाभी का बर्थडे है, बड़ी मॉम ने उनके लिए सेलिब्रेशन रखा है। क्या तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उसके बर्थडे पार्टी में आऊंगी? अरे यार रिहान, उसने मुझे घर से बाहर फेंका है, मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती हूँ, और उस घर में तो मैं पैर भी नहीं रखूंगी। रखोगी, जैसे उस लड़की ने तुम्हें घर से बाहर फेंका ना, आज भाई उससे वैसे ही घर से बाहर फेंकेंगे। तुम अपनी आंखों से नहीं देखोगी क्या वो? आज मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। ये रेहान कुछ तो कर रहा है, इस पे मैं नजर रखूंगी और इसी से मैं मास्टरमाइंड तक पहुंचूंगी। ये क्या, आप क्या कर रहे हैं? तुम बताओ ये क्या है? दिख नहीं रहा, साड़ी है। तो नीचे क्या, शादी है, बॉलरूम पार्टी है, और तुम्हें ये ड्रेस पहननी है। ये
ये मैं नहीं पहनूंगी। पहननी तो तुम्हें पड़ेगी, वो क्या है ना, बर्थडे तुम्हारा है और सारे गेस्ट तुम्हारे लिए आए हैं। अगर तुम ही ड्रेस कोड फॉलो नहीं करोगी तो सबको बहुत बुरा लगेगा। जल्दी जाओ और इसे पहन कर आओ। अब आगे क्या करना है? जब वक्त आएगा पता चल जाएगा कि क्या करना है। मेरा प्लान तैयार है और तुम देखना मेरा प्लान रंग लाएगा। लेकिन आज की पार्टी के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा अपनी लाइफ में विद माय फ्रीडम। क्या कह रहा तू? ये मेरी भाभी जिसने आपको बचाया, उसे तो नहीं मैं छोड़ूंगा। आप आराम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। मेरे पीछे पड़ गई है, उसे पीछा तो छुड़वाना पड़ेगा ना। पहले भी तुझसे मैंने कहा है उसके साथ कुछ गलत मत करना। लेकिन बहस नहीं, जितना कहा है ना उतना कर। प्रथा, मुझे मालूम है कि तुम्हें नहीं पता कि तेरी असली नागमणि मेरे पास है, लेकिन कुछ ही वक्त के लिए। जैसे ही विष पूरे देश में फैलेगा मेरा काम खत्म। उसके बाद तू, मैक और मैं, हम तीनों यहां से कहीं दूर चले जाएंगे बेटा, दूर अपनी जिंदगी जिएंगे। बाबा, मैंने आपकी पार्टी के कपड़े यहां रख दिए। थैंक यू बेटा। बस एक ही बात का दुख है, मैं प्रथा के लिए वैसा लड़का नहीं ढूंढ पाया जिसके वो सपने देखा करती थी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो ये सब मैं कर भी नहीं रहा, ये सब माँ कर रही। वो क्या है ना, शादी के बाद तुम्हारा पहला बर्थडे और तुम इस घर की बहू, और ये सब मैं माँ के कहने पर कर रहा हूँ। और तुम ही तो कहती हो ना कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। पैसों का करोगी क्या, अच्छे कपड़े ही तो खरीदोगी, वो तो तुम्हें ऐसे ही मिल गए। एक बात बताओ, तुम कहती हो कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, पैसों के लिए यहाँ पर आई, तुम्हारी आंखों में तो मुझे कुछ और ही दिखता है। तुम बोलती हो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, और उसके बाद तुम एक जख्मी इंसान को घर लेकर आती हो, उसकी मदद करती हो, जिसका कोई है भी नहीं। क्या हो तुम? आप मेरे बारे में इतना मत सोचिए। वो मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी पहने नहीं, इसलिए थोड़ा संकोच हो रहा था। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे सोचे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है? अरे उर्वशी, तुम आओ ना, तुम यहाँ कैसे? बड़ी मॉम, मैंने इनको बुलाया। अच्छा बड़ी मॉम, हाँ? आज खुशी का मौका है तो शायद पुराने रिलेशन से दूर हो जाए। अच्छा किया, अच्छा वारी तुम भी आ गए। आओ ना अंदर, आओ बेटा। अरे देखो भाभी आ गई। हैप्पी बर्थडे प्रथा।
हैप्पी बर्थडे बेटा। बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस असुरों के सरदार को ढूंढ के उसका विनाश करूं और उस पांचवें असुर से अपने देश को बचा पाऊं। हैप्पी बर्थडे प्रथा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अभी भाई ने कोई गिफ्ट नहीं दिया आपको? नहीं, नहीं दिया। इतनी बड़ी पार्टी तो रखी है ना? वो तो हमने रखी है। उनको भी कोई गिफ्ट देना चाहिए था ना? Hey guys, so it's time to celebrate the party. अब रेशम भाई और प्रताप अभी डांस करेंगे। Let's rock and roll! बस कुछ देर और चिंगिस्तानियों, तुम लोग का काम बहुत जल्द हो जाएगा। वो भी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शेष नागिन हमारे काम को अंजाम देगी। अब देखना, जब वो प्रथा के फोन से भेजा मैसेज डिलीट करेगा तो वो प्रथा के करीब जाएगा, और जब सीन क्रिएट होगा तब वो मैसेज सबको दिखाएगा। यश, आज यहाँ सब है, आज सबके सामने आओ और कहो कि मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। यश प्लीज जल्दी आओ ना, मुझे अपने बाहों में ले लो। तंग आ गई हूँ मैं अपने इस पति से, नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता, मुझे तुम चाहिए। पसंद तो है मुझे, पर इन सब के सामने कैसे? अब सब लोग कपल डांस करेंगे, कम ऑन जॉइन द फ्लो। ओए बेब, तुम्हें देखकर तो दिल सीने से बाहर निकल रहा है। भाभी, वो भाई को आपसे मिलना था, आप गार्डन की तरफ चले जाइए। ओ, ये कहीं जा रही है और चाहती है कि मैं भी इसके पीछे हूं। ऋषभ ने तो कहा था कि मैं यहाँ आऊं और अब खुद ही आ नहीं है। अब माँ, ये प्रथा कहाँ चली गई केक कटिंग के टाइम पे? हाँ भाई, मैंने उनको गार्डन में जाते हुए देखा था। गार्डन में? ठीक है, मैं लेकर आता। ये कौन है? प्रथा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, अपनी बीवी से पूछो, इसने मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया था। प्रथा, तुम ही ने मुझसे कहा था कि तुम इस शादी को निभाना चाहती हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की मेरे होते हुए? वाओ, पहले तो तुमने मुझे घर से निकाला, मेरे कैरेक्टर को उल्टा सीधा बोला। इतना तो मैं समझ गई थी कि तुम बहुत जेलस हो और तुम्हें ऋषभ से प्यार हो गया,
और शायद इसको भी फीलिंग्स डेवलप हो गई है तुम्हारी तरफ। तो ये बताओ, प्यार के इस खेल में पति पत्नी के बीच में तुम्हारा वो कैसे आ गया? वो हेलो, इसने मुझे यहाँ मैसेज करके बुलाया था, मुझे शौक नहीं है ऐसे आने का। मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया था। भाभी को नीचे गिराना चाहता था तू। अगर तेरी जगह किसी और ने काम किया होता ना तो जान ले लेता उसकी। पर तुझे जाने दे रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरी शादी है। आइंदा दोबारा ऐसा कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी भाई, वो भाभी मेरे पीछे ही पड़ गई थी और आपको कुछ बोलता तो आप सुनते नहीं, तो आपके पीछे से मुझे ये सब करना पड़ा। I'm sorry, ये आगे से नहीं होगा। ऋषभ, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रताप इनोसेंट है? इन्होंने बताया। जब हम डांस कर रहे थे तो इन्होंने किसी को प्रताप का फोन ले जाते हुए देखा। मैंने देखा कि ये प्रथा के फोन से किसी को मैसेज कर रहा है और मैं तभी समझ गया कि ये खतरनाक खेल खेल रहा है। और मैंने खेलने दिया क्योंकि मैं देखना चाहता था अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए तू खुद कितना नीचे गिर सकता है। बट रेहान, टेलिंग यू फॉर द वन एंड द लास्ट टाइम, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वरना तेरी जान मैं खुद लूंगा। कह चुका हूं जो कहूं और करवाऊं उस लड़की पर आंच नहीं आनी चाहिए। या आप मेरे सरदार असुरों के असुर और वहां मेरा वो भाई, बस इन्हीं रिश्तों में फंस के ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आपने जो करना था वो किया, अब देखना मैं क्या करता हूं। अब जो करना है मैं करूंगा। बहुत जल्द प्रथा को पता चल जाएगा कि उसके अंदर नकली नागमणि है, फिर नागिनों की नागिन शेष नागिन, फिर प्रथा खुद इस देश में वो जहर फैलाएगी और देश को बर्बाद कर देगी। लेकिन उससे पहले मुझे प्रथा को रेहान से बचाना होगा कि कोई बड़ा वार ना करे उस पे, क्योंकि अब उसके पास वो शक्तियां नहीं है। असली नागमणि तो मेरे पास है। ये क्या, मेरी रजाई क्यों निकाली? क्योंकि तुम्हें उठाना था। चलो हम दोनों को कहीं जाना है। कहाँ? तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ चाहिए, किसे नहीं चाहिए। तो आओ मेरे साथ, आओ तुम्हें शावर करवा देता हूँ। हाँ? जाओ जल्दी रेडी होकर आओ। I just realized कि मैंने तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया है और मेरे भाई ने खामखा तुम्हें इतना बदनाम करने की कोशिश की। जस्ट टू कवर इट अप, गो गेट रेडी फास्ट। I'm really sorry. अगर तुम्हें दूसरों की बीवियों के साथ खेल खेलने का इतना ही शौक है तो एटलीस्ट उनका कंसेंट ले लिया करो। उनके परमिशन के बिना ये सब हरकतें मत किया करो और मेरे टेरेस पे तो बिल्कुल भी नहीं। ऋषभ, तुम्हारे कजन भाई की मेरी बहन से शादी हो रही है, वही भाई जिसने तुम्हारी बीवी का नाम खराब करने की कोशिश करी थी। अगर तुमने उसको माफ कर दिया तो मुझे माफ नहीं करोगे? ठीक है, माफ किया, लेकिन आइंदा मेरी बीवी को उस नजर से बिल्कुल मत देखना। आओ सब मिलकर नाश्ता करते, आओ बेटा। अब माँ, मैं और प्रथा कहीं बाहर जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे। चलो प्रथा। तुम आओ।
प्रथा को अभी तक पता नहीं चला है कि उसकी शक्तियां कम हो गई हैं। जिस पल पता चला उसी पल वो मेरे पास आ जाएगी। पर आप मेरे लिए गिफ्ट ले क्यों रहे हैं? अरे तुम्हारा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे है, गिफ्ट देना तो बनता है ना। क्यों, आज से पहले किसी ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया क्या? बेटा ये तेरे जन्मदिन का तोहफा। ये क्या है बाबा? अरे बेटा खोल के देख। बेटा ये तेरे लिए, तेरे सपनों का राजकुमार, तेरा प्यार जब तुझे मिल जाएगा बेटा, इसमें तू जब भी देखेगी ना तुझे मेरी याद आएगी। तू अपने आप को भी देख पाएगी, अपने राजकुमार को भी। बहुत साल पहले पापा ने दिया था, उसके बाद किसी ने गिफ्ट दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा कि इसके बाद तुम्हें पैसों के लिए कभी शादी नहीं करनी पड़ेगी दोबारा। हेलो सर। बैठो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपने सबसे बढ़िया ज्वेलरी सेट्स दिखाइए। श्योर सर। ये देखिए सर, कुछ नए डायमंड सेट्स आए हैं, एक ये। इनमें से तुम्हें जो कुछ पसंद आ रहा है वो ले लो। ये सब तो काफी महंगा होगा। इट्स ओके, तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है। ये वाला देखो, ये वाला इनमें से सबसे महंगा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या क्या लगता है आपको मैं क्या हूं? क्या बताऊं मुझे क्या लगता है क्या हो तुम? हर रोज तुम कहती हो तुम पैसों के लिए शादी में हो, तुम्हें पैसे चाहिए, हर वक्त पैसों के पीछे। तो मैं चाहता हूं जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाए। मैंने तुमसे शादी की थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक क्रिमिनल, पर अब जाकर रियलाइज हुआ है कि तुम्हें तो बस पैसे चाहिए, तो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी होगी। अरे अगर नहीं पसंद आया तो और कुछ देख लो, यहाँ बहुत कुछ है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं मुझे खुद नहीं पता। इसने ओपनली कहा था मुझसे ये मुझसे प्यार नहीं करती, पर जब भी इसके साथ कहीं कुछ गलत होता है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं? मुझे ये पसंद है, ये मिलेगा? बेटा ये तेरे जन्मदिन का तोहफा। बेटा ये तेरे लिए, तेरे सपनों का राजकुमार, तेरा प्यार जब तुझे मिल जाएगा। ये प्रथा, सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वहां पर हैं। मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए। तो वो करोड़ों की ज्वेलरी छोड़कर तुम्हें ये चाहिए? हाँ। ये लड़की कहती है इसे सिर्फ पैसे चाहिए, और अब जब मैं इसे करोड़ों के जेवर दे रहा हूं तो ये क्या कर रही है? मुझे तो लगा था ये अभी कोई महंगा सा सेट पसंद कर लेगी और दिखा देगी ये सच में पैसों के पीछे, पर इसने पसंद किया भी तो क्या, इस दुकान की सबसे सस्ती चीज। आज फिर इसने मुझे सोचने पर लगा दिया। ये लड़की दिखती कुछ है और दिखाती कुछ और है। क्यों जब मैं इसकी आंखों में देखता हूं तो मुझे वो नहीं दिखता जो ये दिखाती है? ये कितने में आएगा? ये आपको फ्री में आ जाएगा। अब फिलहाल हमें बस यही चाहिए, आप इसी का प्राइस कोट कर दीजिए। ओके सर। जिस दिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगी मेरी ये निशानी रहेगी, मेरे जाने के बाद भी मैं रहूंगी आपके लिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला बर्थडे गिफ्ट। अगर किसी
किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा।